हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारे स्पेशल प्रोग्राम शाइनिंग स्टार में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। ये गुड न्यूज क्या है, तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको सबसे पहले हमारे स्पेशल प्रोग्राम शाइनिंग स्टार में, जिसमें आपको देने वाले हैं गुड न्यूज। और गुड न्यूज किसी और को लेकर नहीं, बल्कि है बच्चन परिवार को लेकर। जी हाँ, आपको बताते चलिए कि बच्चन परिवार को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट दरअसल सामने आ चुकी है। और ये खबर जब हमारे सामने आई तो हम भी हैरान हो गए कि क्या वाकई ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है। वेल, जहां एक तरफ ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की तलाक की अफवाह उड़ रही है, दोनों की तलाक की खबर को लेकर चर्चा हो रही है, वही अब इस तलाक की खबर के बीच ऐश्वर्या राय की दूसरी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो चुकी है, जिस बीच अब बच्चन परिवार ने मनाया जश्न। जी हाँ, ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद बच्चन परिवार खुश हो गया और उसने जश्न मनाया। कयास लगाया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय इस बार बेटे को जन्म देगी। बता दें कि 50 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई ऐश्वर्या राय को लेकर कई तरह की बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है और तलाक की खबरों के बीच जैसे ही ये खबर सामने आई तो फैंस तो खुश हुए ही, लेकिन साथ ही बच्चन परिवार भी खुश हो गया। और यहाँ पर कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ऐश्वर्या की इसी प्रेगनेंसी की वजह से जो तलाक की नौबत आ चुकी थी ऐश्वर्या अभिषेक के बीच, अब वो तलाक नहीं होगा। आखिर क्या है ऐश्वर्या की दूसरी प्रेगनेंसी की सच, तो देखिए ये रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम शाइनिंग स्टार में, जिसमें बात करेंगे ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी को लेकर। जी हाँ, आप सबको बता दें कि इस वक्त जहां सबसे ज्यादा चर्चा किसी और को लेकर नहीं, बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन के तलाक को लेकर है, जहां पर उनके पति अभिषेक बच्चन के साथ चल रहे तनाव को लेकर, रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अनबन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो वहीं आपको बताते चले कि अब इसी खबर के पीछे का सच हम आपको बताएंगे, आपको बताएंगे इस खबर के पीछे का राज, आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस खबर के पीछे अब क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आखिर क्या है इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जहाँ तलाक की खबर को लेकर लगातार ऐश्वर्या को लेकर चर्चा हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन से अलग हो रही है, तलाक ले रही है, तो वहीं अब इन्हीं वायरल खबरों के बीच आपको देंगे गुड न्यूज। खबर आ चुकी है कि तलाक की खबर के बीच ऐश्वर्या राय बच्चन की दूसरी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो चुकी है, और शायद इसी प्रेगनेंसी के कंफर्म होने के बाद उनके फैंस को ये गुड न्यूज मिलेगी कि ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी को लेकर खबर है। दरअसल यहाँ पर एक खबर आई है सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय एक बार फिर से प्रेगनेंट है और दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जी हाँ, बता दें कि ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी को लेकर खबर तो सामने आई, लेकिन अभी तक ऐश्वर्या राय ने इस खबर पर कोई पुष्टि नहीं की कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 50 साल की उम्र में आखिर महिला माँ कैसे बन सकती है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर इस उम्र में प्रेग्नेंट होने के कितने चांसेस होते हैं और इसमें क्या क्या जोखिम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। दरअसल 50 साल की उम्र के बाद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। हालांकि इस उम्र में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मदद से मां बना जा सकता है। 50 साल की उम्र के बाद कभी भी मेनोपॉज शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आपको 12 महीने तक लगातार पीरियड्स आए तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। वहीं सेहत के मामले में हर महिला एक जैसी नहीं होती, और किसी को मेनोपॉज जल्दी शुरू हो जाता है तो किसी को देर से। हालांकि ये भी कहा जाता है कि 45 के बाद फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद भी मां बन सकते हैं। आपको बता दें कि 50 साल की हो चुकी ऐश्वर्या के मां बनने को लेकर खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि 50 की उम्र में के बाद मां बनना और अपने मां बनने को लेकर खुश होना, आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ी बातें हैं।
आपको बता दें कि 30 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने के 20% चांसेस होते हैं, 40 उम्र में प्रेग्नेंट होने के 5% चांसेस होते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र में मां बनने में अपने में 20% के चांसेस हो सकते हैं। आपको बता दें कि यही उम्मीद है कि 50 साल की उम्र के बाद 1% रह जाती है। IVF की मदद से 50 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने की उम्मीद 70-75% तक बढ़ जाती है। जो प्रेगनेंसी के लक्षण 20% दिखते हैं, वही 45 के बाद मां बनने पर दिखते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में महिलाएं इसे मेनोपॉज का लक्षण मान लेती हैं। इस समय आपको प्रेगनेंसी के लक्षण में बार बार टॉयलेट आना, मूड स्विंग्स, सिर दर्द, ब्रेस्ट में बदलाव और टॉयलेट ना रोक पाना, थकान, पीरियड्स ना आना, मतली और कमर में दर्द शामिल। 45 के बाद मां बनने पर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने के भी काफी ज्यादा खतरे रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ प्रेगनेंसी में आने वाली मुश्किलें भी बढ़ जाती है। अगर आप 45 या इसके बाद बेबी कंसीव करती हैं, तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, प्लेसेंटा में दिक्कत, सीजेरियन डिलीवरी या फिर बच्चे को बाहर लाने में गर्भाशय के को लेकर एक्टोपोटिक प्रेगनेंसी, मिसकैरेज और डिलीवरी के बाद वजन घटाने में परेशानी जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो कंसीव करने से पहले अच्छी देखभाल कर लें, संतुलित आहार खाएं, रोज एक्सरसाइज करें, अपना वेट नॉर्मल रखें, स्ट्रेस से दूर रहें और ड्रिंक और स्मोक ना करें। आपको बता दें कि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है, लेकिन लोग एक बार फिर से कयास लगा रहे हैं उनकी तस्वीरों को देखकर। इसीलिए हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन दूसरी बार मां बनने वाली है या फिर नहीं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारी इस रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि आखिर ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। और साथ ही ये राज भी हमने आपके सामने खोल दिया है ऐश्वर्या राय की दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर, जिसका सच क्या है, जिसकी सच्चाई क्या है, जिसका राज क्या है, इसका भी खुलासा आप सबके सामने कर दिया। तो आप सबको हमारी ये रिपोर्ट आखिर कैसी लगी तो जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल प्रोग्राम शाइनिंग स्टार पर, जिसका खुलासा हमने किया आप सबके सामने और आपको बताया ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी का सच। ये रिपोर्ट जानने के बाद आप सबकी राय क्या है जरूर बताए नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।